मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आप सीएससी वेरी हैं या नहीं भी है तो आप फिर भी ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। जी हाँ, विकलांग प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन बना सकते हैं, अगर सीएससी वेरी है तो बना सकते हैं, अगर नहीं भी है सीएससी वेरी फिर भी बना सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आपकी सुविधा के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी इस वेबसाइट पोर्टल का नाम हो गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, ठीक है। जैसे आप इस पर आएंगे, यहाँ आपको बहुत सारे सर्विस मिल जाएंगे, अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड, ठीक है। अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआई कार्ड रेनवल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से ट्रैक योर एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन को जाँच अप्लाई करने बाद चेक कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन क्या स्टेटस है। तो चलिए आपको बताएंगे अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, अप्लीकेंट का नाम देना जिसका आप बनाना चाहते हैं, उसका फर्स्ट नेम, उसका सेकंड नेम, उसका लास्ट नेम, ठीक है, ये नाम दे देना। उसके बाद नीचे में हिंदी में नाम देना होगा। हिंदी में कैसे नाम देंगे, उसके लिए आपको एक गूगल के इनपुट टूल में जाना होगा, जिसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। हिंदी टाइपिंग करके मैं उसका लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट का, जहाँ से आप हिंदी में कोई भी चीज़ को आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना, यहाँ से आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। ये गूगल का गूगल इनपुट टूल है, इस पर आएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज आपको इंग्लिश मिल रहा है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज चेंज करके आपको हिंदी में कर देना होगा। उसके बाद जो भी आप लिखना चाहे इंग्लिश में लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर देगा आपको हिंदी में। जो भी लिखना चाहे वो आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा हिंदी में। उसके बाद इसको आप कंट्रोल एक से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, अन्यथा आप सेलेक्ट करने बाद राइट साइड क्लिक करें, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, हिंदी कॉलम में आपको पेस्ट कर देना होगा। कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं या माउस की राइट साइड दबाएंगे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह अपना एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम देना है आपको इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में देना होगा। उसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम देना है, इसमें फर्स्ट कॉल में फुल नेम देना है। उसके बाद एप्लीकेंट के मदर का नाम फुल नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ देना है जिसका बना रहे हैं। एप्लीकेंट का पिता का नाम हिंदी में फुल नेम एक ही बॉक्स में देना है और माता का भी फुल नेम एक ही बॉक्स में हिंदी में भी देना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आपको आ जाए, कितनी एज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ज़रूरी नहीं है। ईमेल एड्रेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं। जिस भी कॉलम में स्टार लगा हुआ लाल कलर का, उसको भरना आपको अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पूछ रहा है आपको तिल वगैरह कोई चीज़ है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि इसमें लाल स्टार नहीं लगा हुआ। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है आप कौन सी जाति के हैं, ओबीसी, जनरल, एसटी, एसटी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादी हुआ या ना हुआ, ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पूछा रिलेशन विथ PWD पर्सन विथ, जो अप्लाई कर रहा करवा रहा है, जो कर रहा है वो उसके सम आपसे क्या संबंध है। मान लीजिए जो विकलांग उसके पिताजी आपके पास अप्लाई करने आए हैं, तो वो यहाँ पे फादर हुआ, क्योंकि जो अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेट का क्या है रिलेशन वो देना है, उसका नाम देना है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर देना है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप फोटो सेलेक्ट करना होगा, एक हाल की फ़ोटो आपको देनी होगी जो 15 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको देना होगा, फोटो देना जरूरी है, सिग्नेचर देना जरूरी नहीं है, अगर देना चाहे तो दे भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको एड्रेस देना, जो भी आपका एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, वो आपको यहाँ पे पूरी तरह फिलअप कर देना है, स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो प्रूफ आप यहाँ पे दिए हैं उस प्रूफ का एक एड्रेस आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसकी KB 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस, जहाँ आपका घर है वो आपको देना है, ऊपर में जो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस देना है, और नीचे में
परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका घर है। उसके बाद आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन एडुकेशन डिटेल देना होता है, आप हाईएस्ट कहाँ तक पढ़े हुए वो आपको यहाँ पे देना होगा, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले कि आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है, तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है तो आपका जो अप्लाई होगा वो UDIDI कार्ड के लिए अप्लाई होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको UDI कार्ड भी मिलेगा और विकलांग सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इश्यू डेट वगैरह दे दीजिए अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो। उसके बाद पूछ रहा है डिसेबिलिटी टाइप, किस टाइप का आप विकलांग है। अगर आपको फेयर वगैरह से हैं तो आपको लोकोमोटर देना है, तो उसी तरह आपके आप अपने यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना होगा। इस भी बॉक्स में लाल कलर का आपको स्टार नज़र आएगा, उसको भरना अनिवार्य है। जिसमें नहीं है स्टार उसको आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आप पूरी चीज़ यहाँ पे देख, पूरी चीज़ आपको भर लेना होगा। तो पूरी चीज़ आप जिसमें स्टार लगा उसको भरना, जिसमें स्टार लगा उसको नहीं भर सकते खाली भी छोड़ सकते हो। ठीक है, पेंशन मिल रहा है तो पेंशन का कार्ड नंबर वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हो। तो चलिए उसके बाद ये सब फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पूछ रहा है किस तरह किसके कारण आप विकलांग हुए हैं, दे सकते हैं नहीं भी दे सकते। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, ये थर्ड ऑप्शन हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पूछ रहा है एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि एम्प्लॉयर हैं आप, ये मतलब जॉब वगैरह करते हैं तो वो दीजिए, क्या करते हैं वो दे दीजिए, और BPL है कि APL, ये चार बॉक्स आपको मिलेगा। यहाँ पे चारों बॉक्स आप चाहें तो भर सकते हैं, चारों को आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि किसी में भी स्टार लगा नहीं है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है आप आइडेंटिटी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ जो आइडेंटिटी प्रूफ में देना था वो सेलेक्ट करेंगे। आपने जो वहाँ एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट किया था वही अगर आइडेंटिटी प्रूफ में देना चाहते हैं तो इस बॉक्स में आपको टिक मार कर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे तीन नंबर देने, ये छोड़ दीजिए खाली। आधार नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं, अनिवार्य नहीं देना चाहते दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक लगा देना होगा। आई एग्री पे टिक लगाने के बाद इस कैप्चर को आपको इसमें देना है, जिस तरह इसमें जो अक्षर बड़ा लिखा बड़ा है उसको देना है, जो छोटा में लिखा वो छोटा में आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये लोड नहीं लिया, बता रहे हैं आपके द्वारा डिटेल दिया गया डिटेल गलत है। तो अब मैंने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस में मैंने प्लस माइनस का भी चिन्ह दे दिया था, तो उस एड्रेस में से प्लस माइनस का चिन्ह हमें हटा देना है। तो एड्रेस में आपको कोई प्लस माइनस नहीं देना। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, तो उसके बाद मैंने प्रोसीड किया, तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया। ये पूछ रहा है रिव्यू करने, यानी हमारे द्वारा दिया गया डिटेल चेक कर लीजिए, उसके बाद सबमिट हो जाएगा ये। तो इसको पूरी तरह देख लीजिए, आपके द्वारा दिया गया डिटेल पूरी तरह सही है तो आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, आपके द्वारा दिया गया डिटेल सही है। डिटेल सही है तो आप नीचे आ जाएंगे, पूरे स्कोर डाउन करेंगे, ये सारा चीज़ आप जितनी चीज़ भरे वो यहाँ पे देख लीजिए। आपको तीन ऑप्शन मिलते CCVLE है तो लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से CCVLE कर सकते हैं अगर आप हैं। अगर CCVLE नहीं है तो यहाँ पे आप CCVLE तो लॉगिन कर लीजिए CSE से, अगर नहीं है तो यहाँ पे कन्फर्मेशन अप्लीकेशन पे करेंगे। तो CCVLE नहीं है तो कन्फर्मेशन अप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ये सब भर लें, क्या आपका नाम जो है वो सही है तो टिक लगा देंगे, क्या आपने जो भाषा में भरा अपना नाम वगैरह फॉर्म तो वो सही है तो उसमें भी टिक लगा देंगे। उसमें पूरा क्या जिस भी बॉक्स में स्टार लगा हो क्या आपने उस कॉलम को भरा है तो उसमें भी टिक मार्कर लगा देंगे। तो इसमें जो सारे बॉक्स में आपको टिक मार्कर लगा देना होगा, तो सारे बॉक्स में आप टिक मार्कर लगा दीजिए। उसके बाद नीचे में यस कर दीजिए, तो यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे यहाँ पे सबमिट हो चुका है, थैंक यू लिखा गया, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर मिले, यहाँ से आप डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप डाउनलोड एप्लीकेशन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर दीजिए। देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ, ये डाउनलोड हो चुका है। उसका डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हैं, आप डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं, आप रिसिप्ट दे सकते हो अपने कस्टमर को। ये हो गया, इसी तरह आप
कर पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया किस तरह आप विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट पहले से विकलांग सर्टिफिकेट बना है तो UDIDI कार्ड आपका बन जाएगा। UDI कार्ड क्या होता है, एक ATM कार्ड की जैसा कार्ड होता है जिसमें आपकी पूरी जानकारी रहेगी। उस कोई भी मशीन में अगर उसको घुसाएगा तो उसके आपकी पूरी डिटेल वहाँ पे ले सकता है। तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बहुत सारे कागज ले जाने कहीं पर ज़रूरत नहीं, इसी आप कार्ड देंगे तो वो आपकी पूरी डिटेल उस कार्ड की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, तो विकलांग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई हो गया इसी तरह। तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एक दिन आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में, वहाँ आपको जांच किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद है